स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजम खान के आजाद होने की जागी उम्मीद, मिला ऐसा संकेत की सपाई बोले, उपचुनाव में खान साहब के आने से होगा बड़ा परिवर्तन। एक तरफ सपा के कार्यकर्ता मना रहे थे आजादी का पर्व और दूसरी तरफ आजम खान के लिए उठाया एक बड़ा कदम, अब रिहाई जल्द होगी। देखिए क्या है नया अपडेट और सपाई आजम खान के लिए क्या कर रहे हैं प्लान। लखनऊ से लेकर रामपुर तक हलचल हो गई तेज। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तब सपा के अंदर सनसनी का माहौल था, हलचल तेज थी और सबका यही कहना था कि अब आजम खान को भी आजादी मिल जाएगी। सपा की सियासत में अगर आजम खान का जिक्र ना हो तो समझो कहानी अधूरी है, लेकिन लंबे वक्त से आजम खान बेटे के साथ जेल में हैं और आजादी के पर्व के मौके पर जब आजम खान की आजादी को लेकर अपडेट मिला तो फिर सपा में सनसनी का माहौल बन गया और प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। आजम खान के परिवार ने भी राहत की सांस ली और सबने महसूस किया कि उनके परिवार के मुखिया जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर सक्रिय राजनीति में उतर कर सियासत में फिर से चमकते दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल उठा कि क्या आजम खान को जमानत मिलने वाली है, तो किसी ने सवाल किया कि क्या उन्हें मुकदमे में बरी कर दिया गया है, और भी तमाम सवाल किए जा रहे थे, लेकिन जवाब जो मिला उससे और ज्यादा सनसनी फैल गई। मामला क्या है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस सनसनी की शुरुआत के तार बस्ती जिले से जुड़े हैं। बस्ती समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के पूर्व निदेशक अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, पुत्र अब्दुल्ला आजम पर लगाए गए झूठे आरोपों को संज्ञान में लेते हुए उनके परिवार का उत्पीड़न बंद करवाकर आरोपों से मुक्त कर दिया जाए। सपा नेता अब्दुल गफ्फार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक मोहम्मद आजम खान पर रामपुर के प्रशासन ने लगभग 180 फर्जी, झूठे और निराधार मुकदमे लगाए हैं। द्वेष की भावना से प्रशासन और पुलिस की साठ गांठ मिली भगत से सरासर फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमों में सजा दिलवाई जा रही है। शासन और प्रशासन की ये द्वेषपूर्ण और बदले की कार्यवाही मोहम्मद आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ की गई है। उनकी सेवानिवृत्त प्रोफेसर पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ भी इसी प्रकार के झूठे और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम, जो कि जनपद रामपुर के स्वार टाडा विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने जा चुके हैं, फिर भी फर्जी और झूठे मुकदमे कायम उनके ऊपर किए गए हैं। सपा के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष जावेद पिंडारी ने कहा कि मोहम्मद आजम खान 2 साल से अधिक की जेल की यातना पहले ही भुगत चुके हैं, अभी भी लगभग 11 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी लगभग 2 साल की जेल की यातना भुगत चुकी हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल में हैं। राजनीतिक विद्वेषवश आजम खान के परिवार पर साजिशन जुल्म ढाया जा रहा है, इसे बंद करवाया जाए और न्याय हित में काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।